दोस्तों आज की जो हमारा पहला अपडेट है ये हमारे अपकमिंग टॉपअप इवेंट के रिगार्डिंग अपडेट है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपअप इवेंट है वो कौन सा रहने वाला है और उस टॉपअप इवेंट के अंदर क्या हमें रिवॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ में पिघल गया, यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दोनों में से कोई एक टॉपअप इवेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग अपना गेम को ओपन करते हो तो ओपन करते साथ यहाँ पे आपको हमारे रैंपेज की थीम पे कॉस्ट्यूम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लेजेंडरी कॉस्ट्यूम भी आपको आने वाले टाइम पे जल्दी हमारे गेम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पहला हिंट हमें यहाँ पे मिल चुका है कि हमारा यहाँ पे अपकमिंग जो टॉवर इवेंट हो सकता है वो हमारे रैंपेज की थीम पे आपको देखने को मिले। अब इसके अंदर कौन से टॉवर इवेंट के आइटम देखने को मिलेंगे रैंपेज की थीम पे, सबसे पहला यहाँ पे कोई इमोट हो सकता है, ग्लोवल का स्किन हो सकता है या कोई अलग सा जो कि मैंने आपको पास्ट के अपने रिसेंट वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट फिर भी मुझे यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपको इंस्टेंट यहाँ पे अपडेट दे दूंगा कि कौन सा यहाँ पे आपको हमारे टॉपर इवेंट के अंदर रिवॉर्ड मिलेंगे। रुको जरा, सबर करो। एंड दूसरा जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर का टॉवर इवेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के टाइम में बहुत सारे सर्वर में यहाँ पे करंट के टाइम पे न्यू कैरेक्टर को यहाँ पे टॉवर इवेंट में दिया जा रहा है, जो कि अभी आप लोग हमारे स्क्रीन में देख सकते हो, जहाँ पे हमारा होमर कैरेक्टर को यहाँ पे ओनली 400 के डायमंड के टॉपअप में दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो बंडल है वो आपको 800 के डायमंड में टॉपअप में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस ये एक ही सर्वर के अंदर हमें देखने को मिला, बहुत सारे सर्वर में यह चीज हमें देखने को मिल चुका है और चांसेस यही निकल के आ रहा है कि भाई आपको भी हमारे इंडिया में ये टॉवर इवेंट जल्द ही देखने मिलेगा। पर आप लोगों को एक छोटा सा और ट्विस्ट देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट ओबी अपडेट के कुछ कैरेक्टर और यहाँ पे पेट अभी तक हमारे गेम में नहीं देखने मिले हैं, तो इनमें से दो केस हो सकता है, जो पुराने हमारे जो कैरेक्टर और पेट है वो कैरेक्टर और पेट को ये लोग मे भी आप लोगों को फ्री में दे सकते हैं, या नहीं तो आपको वो जो कैरेक्टर और पेट है वो भी आपको आने वाले टाइम पे टॉवर इवेंट में देखने मिले और इस बार का जो नया कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी आप लोगों को फ्री में मिल सकता है। बट अगर आपको इन दोनों कैरेक्टर में से कोई भी आपको कैरेक्टर फ्री नहीं मिलता है तो आप लोगों को ये दोनों ही कैरेक्टर किसी अलग टाइप के इवेंट में देखने मिलेंगे, बट एक कैरेक्टर आपको टॉवर इवेंट में जरूर से देखने मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सारे पॉसिबिलिटी शेयर कर चुका हूँ टॉवर इवेंट के रिगार्डिंग और कैरेक्टर कौन सा फ्री में मिल सकता है उसके बारे में भी। तो फटाफट दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया क्या करो, अभी कभी लाइक कर लो। दोस्तों आप लोगों के लिए और भी कुछ खास अपडेट है, जैसे कि अभी के टाइम पे आपको सुपर गेमर इवेंट का बंडल देखने मिला था हमारे गेम के अंदर, पर उसी के साथ यहाँ पे कुछ हमारे बाहर के सर्वर में उसके पोस्टर भी लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे हमारा एक नया कैरेक्टर टॉपर इवेंट पे आ रहा है पाकिस्तान सर्वर में, वो भी आ चुका है और सुपर गेमर इवेंट वो भी आ चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को जो चीज मैं दिखा रहा ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है। यहाँ पे एंजेलिक पैंट आप देखोगे, एंजेलिक जैकेट भी आता है जिसको अभी आप लोग हमारे स्क्रीन में देख सकते हो, और ये रेड एंजेलिक जैकेट को यहाँ पे फेडर विल के अंदर दिया जा रहा है पाकिस्तान के सर्वर के अंदर। तो मे भी हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी आपको जल्दी हमारे रेड एंजेलिक पैंट का जैकेट देखने को मिल सकता है। पर ये तो ये कुछ पॉसिबिलिटी जो कि आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन भी मिले हैं जो कि आपको आने वाले टाइम पे हमारे इंडिया में कंफर्म देखने मिलेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे रैंपेज की थीम पे जितने भी रैंपेज के पुराने बंडल है वो फिर से आपको आने वाले टाइम पे हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये चीज हमें पहले भी हमारे पास्ट के रैंपेज के इवेंट के थीम पे भी हमें ये चीज देखने को मिला है कि उससे भी पुराने वाले रैंपेज के बंडल हमारे करंट में न्यू वाले रैंपेज के इवेंट में देखने मिलते हैं, और वही चीज इस रैंपेज के इवेंट में भी देखने को मिल रहा है। और एक चीज दोस्तों, ये जो हमारे जितने भी कॉस्ट्यूम आने वाले रैंपेज की पुराने कॉस्ट्यूम वो आपको मोको हैकर स्टोर के अंदर देखने मिलेगा, वो भी हमें जून के मंथ के फर्स्ट वीक में देखने मिलेगा, वो भी 7 जून को। तो ये तो होगी हमारे कुछ कंफर्म अपडेट, बट मैं आपको आगे भी जाके कुछ कंफर्म अपडेट दूंगा। पर उससे पहले आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि लास्ट ईयर जो हमारे रैंपेज का इवेंट आया था उसमें हमें रैंपेज समनिंग इवेंट देखने मिला था, जहां पर आपको रैंपेज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग करना पड़ता है और ड्राइंग करने के बाद जिस टाइप के आप लोग ड्राइंग किए उसी टाइप के आपको रिवॉर्ड मिलते थे, रिवॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे टोकन मिलता था और उस टोकन को लेके आप लोग बढ़िया सा रिवॉर्ड को एक्सचेंज करते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं मैं जो आपको बता रहा हूँ? हाँ तो याद तो आ गया होगा, बट अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई वो इवेंट फिर से देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे अपने जो नए इंटरफेस को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो हमें लॉगिन रिवॉर्ड देखने मिलेगा। अब ज्यादा से चांस है कि आप लोगों को उसके अंदर मे बी इमोट देखने मिले या कोई ग्लोवल का स्किन, जो कि आपको आने वाले टाइम पे देखने मिल जाएगा हमारे कैलेंडर इवेंट के अंदर। बट यहाँ पे जस्ट नीचे देखे हुआ तो फ्रेंड यहाँ पे भी लॉगिन रिवॉर्ड लिखा हुआ, बट वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ग्लिच अभी चल रहा है इसके अंदर। फिलहाल तो यहाँ पे आपको जो देखने मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा धुंधला धुंधला चीजें देखने मिल रहा है, जिससे हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। आपको दिख रहा तो मुझे बता देना क्या लग रहा है, बट जहां तक मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई कॉस्ट्यूम हो सकता है। बट इसके नीचे आएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आपको छोटा मोटा बुक देखने मिल रहा है, छोटा मोटा नहीं बड़ा बुक है, और ये जब भी आप लोग टैप करोगे तो आप लोगों को जिस तरह का ये देखने मिलेगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। जैसे उसके नीचे आएगा तो फ्रेंड यहाँ पे आपको रैंपेज 4.0 देखने मिल रहा है एंड देन उसके राइट साइड में आपको साइन इन देखने मिल रहा है। तो ये दो चीज आपको क्या होने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है रैंपेज 2.0 में एक नया इंटरफेस या नहीं तो कोई नया मोड हो सकता है, और साइन इन में मुझे लगता है कि आपको डेली चेकिंग में कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, और राइट साइड में आपको यहाँ पे टावर देखने मिल रहा है, और जहां तक मुझे लगता है कि इस टावर का जो लिक्विड
लिक्विड है उसको आपको टॉप में जाके फुल करना है, देन उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे इसके बदले। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अकेले ये लिक्विड को फुल करना, और आप लोग जिस रीजन में हो उस रीजन के प्लेयर लोगों को भी ये इवेंट को कम्प्लीट करना होगा, तभी ये लिक्विड फुल होगा और उसके बाद आप सभी लोगों को ये रिवॉर्ड मिलेगा। अब उसमें जो रिवॉर्ड दिए जाएंगे वही रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। बट अभी तक मुझे यहाँ पे डेली समन इवेंट नहीं देखने मिला। अगर कहीं ना कहीं डेली समन इवेंट यहाँ पे किसी भी जगह में लिखा रहता या प्रिंट होता तो मैं आप लोगों को बता सकता था कि भाई इस ओबी अपडेट में अब आप लोगों को डेली समन इवेंट देखने मिलेगा। बट फिलहाल अभी के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। पर दुखी मत हो दोस्तों, आप लोगों को फ्री के रिवॉर्ड जरूर से मिलेंगे क्योंकि रैम्पेज 4.0 है, तो बढ़िया रिवॉर्ड तो आना चाहिए। और आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ, आप लोगों को रैम्पेज 4.0 में मेल का बंडल फ्री में चाहिए कि फीमेल का? आंसर तो मुझे पता है बट मैं फिर भी आप लोगों से वोट लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल के दिन यहाँ पे एक वोट दिया था, मैंने पूछा था कि भाई आईपीएल में आज के फाइनल में राजस्थान रॉयल जीतेगा या हमारा गुजरात लायन, और ऑलमोस्ट यहाँ पे गुजरात लायन को सबसे ज्यादा वोट मिला था हमारी कम्युनिटी पोस्ट में, वो भी 70% का। अभी साइड ऊपर नीचे हो गया होगा नहीं मालूम है, बट 70% आया था कल के दिन। और इसीलिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट डाल के देता हूँ जिससे कि आप लोगों को वो कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग अपना वोट अपना ओपिनियन शेयर करो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अगर आप लोग हमें वोट देते हो। और उससे भी अच्छा फील करने के लिए अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आएगा, तो फटाफट लाइक कर दो अभी के अभी। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है ये हमारे एक कैलेंडर इवेंट के ऊपर अपडेट है, और अगर आप लोग इस कैलेंडर इवेंट को थोड़ा गौर से देखोगे तो वो अपडेट आप लोगों को हमारी गेम से रिलेटेड थोड़े बहुत मैच होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस कैलेंडर इवेंट में देख रहे होगे फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो हाल ही फिलहाल में जो बंडल आया था सुपर गेमर वो देखने मिल रहा है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हमारा क्लैश स्क्वाड कब देखने मिला जो कि आपको आने वाले टाइम पे हमारे गेम में फिर से देखने मिलेगा। और जैसे मैंने आप लोग हाल ही फिलहाल में अपडेट दिया था कि यहाँ पे हमारा डायमंड रॉयल में आपको फीमेल का बंडल देखने मिलेगा, वो भी हमें इसमें देखने मिला। बट यहाँ पे न्यू टॉवर इवेंट में यहाँ पे ब्लू पिन दिया जा रहा है जो कि हमारे इंडियन सर्वर में भी बहुत दिनों से नहीं देखने मिला। क्या पता फ्री फायर टॉवर इवेंट के लिए ये भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कैरेक्टर का ज्यादातर चांस है कि अपकमिंग टॉवर इवेंट में आपको देखने मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इमोट भी देखने मिल रहा है, और अगर आप लोग नीचे देखोगे तो फ्रेंड यहाँ पे मैजिक यूके स्टोर का भी अपडेट दिया, बट यहाँ पे हमारा ये मेल का बंडल नहीं देखने मिलेगा। उसके लिए मैं आपको एक हाल ही फिलहाल में वीडियो बनाया था उसको जाके चेकआउट कर लेना। और बॉम्ब स्क्वाड के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ अपडेट मिला है, तो यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड के थीम पे आपको देखने मिलेगा आने वाले टाइम पे। बट आज रात के 12 बजे क्या आएगा ये तो नहीं मालूम होगा आप लोगों को। यहाँ पे आज रात के 12 बजे हमारा न्यू वेपन रॉयल देखने मिलेगा, और न्यू वेपन रॉयल में आप लोगों को हमारा न्यू मैक 10 का स्किन देखने मिलेगा जो कि कुछ इस तरह का आपको देखने मिलता है, बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा। हाँ मुझे पता है कि आप बहुत कम बंदे इस मैक 10 को यूज करते हो, ज्यादातर बंदे यूएमपी और MP40 यूज करते हैं। फिलहाल तो आप लोगों को इस मैक 10 के अंदर जो एटीट्यूड देखने मिले, डबल आपको एक्यूरेसी प्लस देखने मिलेगा, सिंगल डैमेज प्लस देखने मिलेगा, और सिंगल यहाँ पे मैगजीन को माइनस किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको हाल ही फिलहाल में एक अपडेट दिया था, कोई भी लेजेंडरी गन के स्किन के अंदर जो भी एटीट्यूड्स आते हैं उसमें आपको दो चीज प्लस देखने मिलते हैं, और दोनों प्लस में से एक जगह में आपको दो प्लस देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे मैक 10 में एक्यूरेसी में आपको दो चीज प्लस देखने मिल रहा है, और डैमेज में आपको एक सिंगल प्लस देखने मिल रहा है, और यही होता है हमारा लेजेंडरी स्किन का पहचान। और दोस्तों अगर आप लोग हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। अब मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय।